नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि अपनी पेट्रोल गाड़ी में डीजल भर लीजिए तो आप क्या कहेंगे? पागल है क्या? मेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी और बहुत से पैसे भी लगेंगे। तो यही सीधी सी बात, क्यों नहीं हम समझते हैं कि ये हमारे शरीर से भी रिलेटेड है। अगर हम अपने शरीर के अंदर गलत चीज़ें डालेंगे तो शरीर भी खराब होगा, बीमारियां आएंगी और हमें डॉक्टर के पास जा कर के दवाई लानी होगी और पैसे देने होंगे, बहुत से पैसे खर्च होंगे। तो 10 लाख से 5 लाख की गाड़ी के लिए हम इतना ध्यान रखते हैं कि डीजल डालना है या पेट्रोल डालना है, लेकिन शरीर रूपी गाड़ी के अंदर क्या डालना है ये हम परवाह ही नहीं करते हैं। बिना सोचे समझे जंक फूड का सेवन करते हैं और इसके बदले में बहुत भारी कीमत चुकाते हैं, बहुत सारा पैसा भी जाता है और जीवन भर जो ये गाड़ी चलानी है, यानी कि पूरे जीवन जो गाड़ी स्वस्थ रहनी चाहिए उसको खराब कर बैठते हैं। बिना सोचे समझे हम ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो कि शरीर को खराब करता है, आगे चल करके बहुत पैसा खर्च होता है। तो मैं आपको बस एक चीज कहूँगा, सोच समझ करके खाना खाना स्टार्ट कीजिए। डायबिटीज हो जाएगी तो परहेज तो करना ही पड़ेगा आपको, तो उससे पहले क्यों नहीं करते? जब मोटापा आ जाएगा तब तो परहेज करना ही पड़ेगा, तो मोटापा से पहले ही परहेज क्यों नहीं करते? आज से ही इस बात का ध्यान रखें कि क्या खाना है हमें, क्या नहीं खाना है। तो इस चैनल के माध्यम से हम अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर के आते हैं, आयुर्वेद में किस चीज़ को खाने का क्या नियम है ये पूर्णतः बताते हैं हम, तो बने रहिए अंत तक। ऐसी ही एक आयुर्वेदिक औषधि है, तुलसी कहते हैं, हर घर में लगभग मिल जाएंगी और ये कमाल की औषधि है, हर घर में होना भी चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि तुलसी कैसे इस्तेमाल करना है। तुलसी का सेवन अगर आप सुबह खाली पेट करते हैं तो वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये वीडियो छोटी है पर आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी बेहतर है। एक काम और कीजिए कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बहुत अच्छी जानकारी मिल सके। अपने परिवार के लिए ये 5 मिनट आपके पूरे जीवन काम आएगा, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तुलसी का पत्ता कमाल की औषधि है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये बताओ कि क्या आप चाहते हो कि आप और आपका परिवार बिना बीमारी के रहे, यानी कि आपका परिवार स्वस्थ रहे? अगर आप चाहते हैं तो आप इस बात को मान लीजिए कि सुबह उठने के बाद आप खुद भी तुलसी के 2 से 3 पत्ते खा लो, या अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको भी तुलसी के पत्ते सुबह सुबह खाने को कहिए, 1 से 2 पत्ते या 3 पत्ते तक खाइए। अगर सुबह सुबह खाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, आइए वो जान लेते हैं। वैसे तो तुलसी के बारे में कहा जाता है कि तुलसी के इतने सारे फायदे हैं कि आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ बड़े फायदे हैं जो आज की बीमारियां हैं उनसे कौन कौन सी को कंट्रोल करने की इसमें क्षमता है ये समझते हैं। सबसे पहले है इसमें डायबिटीज। जी हाँ, डायबिटीज तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। तो तुलसी के पत्ते हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन को बढ़ाने में मदद करते हैं। शरीर में इंसुलिन बनेगा तो आपका शुगर लेवल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो अगर आपको अपने शरीर में शुगर लेवल को मेंटेन करना है, सही करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप तुलसी की पत्तियों का सेवन करें, इससे शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। जी हाँ, तुलसी के पत्ते सुबह जगने के बाद खाली पेट ही सेवन कर लो, 2 से 3 खाने के बाद आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। दूसरा फायदा आपको मिलेगा, आपका हार्ट सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हमारा दिल स्वस्थ है तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की जान जो जाती है वो इसी बीमारी की वजह से जाती है, यानी कि हार्ट अटैक की वजह से। घटिया कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करना होता है, और तुलसी के पत्तों में वो क्षमता है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, साथ ही साथ हमारे ब्लड प्रेशर को ये नियंत्रित करता है। तो इस वजह से हार्ट अटैक को रोकना है अगर आपको पूर्णतः, तो तुलसी की पत्तियों का सेवन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम या बुखार ऐसा कुछ भी होता है तो तुलसी के पत्तों का सेवन कीजिए, इससे आपको बहुत सारा फायदा प्राप्त होगा। तुलसी का पत्ता के शरीर को स्वस्थ रख सकता है, पूर्णतः कई सारी बीमारियों से बचा करके रखता है, खास करके ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अभी आप सुन रहे होंगे कि दुनिया में ये जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, तो इससे भी बचना है तो आपकी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और ये गुण तुलसी की पत्तियों में पाया जाता है। तुलसी के पत्तियों के सेवन से मुख का बैक्टीरिया भी खत्म होता है, यानी कि दांतों के कीड़ों से भी राहत मिलती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पत्तियों को दांतों
उसे डायरेक्ट चबा करके नहीं खाने की कोशिश कीजिएगा। तुलसी का कई तरीके से सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो चाय पत्ती, जो सुबह चाय बनाते हैं तो काली चाय अभी बनाइए, अभी तो बहुत ज़रूरी है कि आप काली चाय बनाइए, उसमें तुलसी की पत्तियाँ डाल दीजिए। या फिर खाना खाते समय, खाने में भोग लगाया जाता है तुलसी जी की पत्तियों का, 2 से 3 पत्तियों का, वो ज़रूर लगाया कीजिए। ये हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने सोचिए कितना पहले शोध करके हम सभी के लिए अच्छी जानकारी दी है। अगर 2 तुलसी की पत्ती से भोग लगाएंगे और खाना खाते समय वो हमारे शरीर में जाएगा तो हमें पूर्णतः लाभ प्राप्त होता है। हमारा खाना का पाचन सही से होता है, पाचक रस सही से खाने में मिलता है और खाना हजम बहुत अच्छे से होता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, आप डायबिटीज से बचेंगे, आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा, आपका लीवर स्वस्थ रहेगा, आपके मुख से बैक्टीरिया दूर होंगे, मुख की दुर्गंध दूर हो जाएगी, साथ ही साथ आपको पूर्णतः लाभ होगा स्वास्थ्य का, यानी कि हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारी से बचेंगे और शरीर पर जीवाणुओं का, विषाणुओं का, वायरस का अटैक नहीं हो पाएगा। यह आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।